तो निकल गया राइड के लिए बाइक के साथ अपनी। तो एक अलग मोमेंट है, मौसम काफी अच्छा हो गया दिल्ली के अंदर, एक मीठी मीठी ठंड आ गई है। मीन्स अभी बीच में बहुत तेज मेर से सिद्धार्थ भाई से, दप्पू भाई से। तो डैनियल ने अपना एग्जॉस्ट निकलवा के इसने लगवा लिया भाई साहब, स्टॉक एग्जॉस्ट अपने अंदर। तो देर से ही सही, बंदा आ गया है अपने दोबारा से औकात पर। क्या बोला तूने? आ गया है अपने दोबारा से औकात पर, गजब बेइज्जती है। तो जस्ट ऐसे ही हमारा प्लान बना कि हाँ यार, बहुत दिन हो गए राइड किए हुए, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन से अपनी गाड़ी नहीं निकाली है यार। भाई वो 390 है यार, बाकी अपना तूफान भी सही दौड़ रहा है यार। भाई वो 390 है भाई साहब, उसके नज़ारे अलग है, इसके नज़ारे अलग है। तो कह रहा था मैं बहुत दिन से मैंने राइड नहीं की थी यार, और बहुत दिन से मैं तूफ़ान को चलाया नहीं था, तो काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि हाँ यार कहीं राइड होनी चाहिए, कहीं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज एक प्लान बनाया जाए। तो हम आए आज NSP की तरफ, यानी प्रीतमपुरा। मैंने कहा यार थोड़ा सा राउंड मारते हैं प्रीतमपुरा का भी, बहुत दिन हो गए मैं इस साइड पे आया नहीं हूँ। तो अपने साथ दूसरी है ये वाली हीरो होंडा, जो है CBZ न्यू एक्सट्रीम। भगाने मैंने यार। तो ये रही अपनी RC 390, बंदा अपना डैनियल भाई, डैनियल मोटर जर्नी नाम से बंदे का चैनल है। छपरी राइडर देख रहे हो भाई साहब, रोड पे आतंक मचाते हुए जा रहे हैं बंदे। ये पागल के बच्चे, ये क्या बात करते हैं यार, ये पागल के बच्चे। भाई तुम मत फॉलो करना मुझे, मुझे तुम जैसे सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है भाई। एंडी पैंडी शक्ल के कैसे स्कूटी चला रहे हो देखो भाई, ये मेरे फोग लैंप का फ्लैश है यार, आप देख रहे हो कितना एरिया कवर कर रहा है ये, कितना लुक अच्छा आ रहा है यार, आगे का सामने का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी देख रहे हो मेरे फोग लैंप्स की, ऑसम है यार ऑसम। सो अपने येलो वाले का आपको लुक दिखा, मैं व्हाइट वाले का लुक दिखाता हूँ आपको। ये देखो यार, देख रहे हो सामने, ये व्हाइट वाली फ्लैश है, बिल्कुल एरिया पूरा कवर कर लिया यार, हल्का सा भी ऐसा नहीं है मेरे को जो आगे नज़र ना आ रहा हो। तो काफ़ी दमदार है यार फोग लैंप ये वाले, है ना, काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैं ज़्यादातर येलो यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी अपने तूफान को करते हैं थोड़ा ओवर स्पीड। ओहो ये भाई अपना तूफान है एकदम मौसम, भागने में दमदार। तो पंडित पराठे वाले पे चलते हैं यहाँ से सीधा रफ्तार के साथ,
यार काफी दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ ना अपने तूफान को। ये लाइट देखो यार, ये देख रहे हो तो काफी अलग अलग सा लग रहा है यार। ये वाइट वाले लाइट देख रहे हो, इसका जो लुक है ना काफी अलग लग रहा है, काफी इम्प्रेसिव है, काफी अलग लुक आ रहा है इसका। तो यहाँ से लेना है लेफ्ट, इसको देखो इसको, हो हो बैन के दीने पुदीने। तो ये आ गए अपने पंडित पराठे वाले के पास। तो हमें लेना है फ्लाई ओवर पे ना चढ़ के लेफ्ट साइड पे। और आज बहुत खाली मिला यार, एक बाइक भगाने में जो मज़ा आया ना आज, एक अलग ही मज़ा था यार। तो यहाँ से लेते हैं अंदर की साइड। तो आ गए अपनी शॉप पर हम पंडित पराठे वाले के पास। ओहो हो पूरा पैक पड़ा है तो यार, पैक पड़ा है तो यार। तो यही बाइक पार्क करते हैं हम अपनी। 15 मिनट्स लेटर। तो अपना हो गया है भाई साहब खाना वाना सब। तो अब हम निकल रहे हैं अपने यहाँ से अपनी बाइकों पे। तो चलो भाई निकालो बाइकें। तो ये अपने अशोक विहार पंडित पराठे वाले से हम जा रहे हैं घर के लिए अपने। तो यहाँ से डैनियल और ये भाई अलग जगह निकल जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा अपने करोल बाग के लिए। तो ठीक है भाई मिलते हैं फिर, ध्यान रखियो। ठीक है भाई चल पहुंच के मैसेज कर देना। ठीक है भाई ओके बाय। तो ये दोनों यहाँ निकल जाएंगे लेफ्ट साइड पे, हमें जाना है राइट साइड अपने घर के लिए। तो हम कर देंगे रेड लाइट का वेट ग्रीन होने का, दोनों तेजी में निकल गए भाई साहब। ये जस्ट हमारा मीटअप था कि यार ऐसे ही मिलना था हमें आपस में, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी अपने तूफान को राइड नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से और कहीं जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है यार। क्योंकि एक्चुअली मैं कह सकते हो आप लोग कि ठंड बहुत ज़्यादा थी दिल्ली में, दैट्स व्हाई व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा था, मैं संडे राइड भी नहीं कर पा रहा था। सो नाउ मेरा सोचा चल रहा है मीटअप करते हैं देन फिर कहीं प्लान करेंगे चलने का। तो अब हम कोई जयपुर की राइड मारने का सोच रहे हैं, तो अब ये देखते हैं कि हमारा कब प्लान डन होता है। सुनसान रोड, ये देखिए मेरे फोग्राम का स्वाद, ये देख रहे हो क्या फ्लैश आ रही है आगे, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लॉन्ग राइड के लिए रेडी अपना तूफान, मैं आपको भी अपने तूफान का एक ओवरऑल लुक भी दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। देखो 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 बहन के दीने तेरी अम्मा का स्कूटर, खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साला, साला बीच में आके कैसे मोड़ रहा है, बिना रोके मोड़ रहा है। मैं एक बार अपने आपको तूफान का ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कि यार मेरा तूफान कैसा लग रहा है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ मैं कि फोग लैम्प्स का लुक कैसा आ रहा है। सो दिस इज़ नाउ आई एम ऑन द फ्लाई ओवर। सो कुछ ऐसी लुक आ रही है अपने तूफान की फ्रंट से यार। फोग लैम्प का मैं आपको लुक दिखाता हूँ, ये देखो यार
देख रहे हो कितने धांसू लग रहे हैं फोग लैंप्स, और कितना अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल रोड को पूरा कवर कर रहे हैं। सो ये थोड़ी सी अपनी फ्रंट लुक है, एंड देन ये साइड लुक है अपने तूफान की। और ये लाइट वाली जो आपको दिखाई थी मैंने, ये देखो यार ऑन द रोड जब चलती है तो कैसी लगती है बाइक अपनी। बैक साइड का भी मैं आपको दिखाया था, ये बैक साइड से है। सो काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा लाइटनिंग आ रही है, राइड के लिए रेडी है अपना तूफान। बस अब एक कमी है तो या तो टॉप बॉक्स की या सैडल बैग की। सो अभी उस पर थोड़ा मैं वर्क कर रहा हूँ कि हाँ यार मेरे को टॉप बॉक्स लगवाना चाहिए या सैडल बैग। तो जैसे ही वो काम डन हो जाएगा तो वो भी मेरे को पता लग जाएगा, मेरी वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बाकी मेरा जो भी मन है वो टॉप बॉक्स लगवाने का है, क्योंकि सैडल बैग के अंदर जो है वो बात नहीं आती है जो आपको एक टॉप बॉक्स के साथ आ सकती है। सो यहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ। सो आ गया हूँ मैं अपने घर की तरफ गाइस, तो मिलता हूँ एक आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक नए कंटेंट के साथ। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसे नए नए व्लॉग आपके पास आते रहेंगे। सो गुड बाय, सी यू सून।